के न्यूज खबरों की नई पहचान। झरिया थाना अंतर्गत झरिया के लक्ष्मणिया मोड़ से बाटा मोड़ तक अतिक्रमण हटाने के विरोध में आज झरिया के फुटपाथ दुकानदारों ने झरिया बाटा मोड़ से तिरंगा यात्रा निकाला। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में सभी दुकानदार शामिल थे। ये सभी दुकानदार पद यात्रा करते हुए धनबाद के उपायुक्त कार्यालय तक जाएंगे। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व झरिया सब्जी पट्टी में जिला प्रशासन अतिक्रमण करने पहुंचे थे। जिला प्रशासन के अतिक्रमण का बुलडोजर देख सभी दुकानदार काफी आक्रोशित हो गए थे और अतिक्रमण हटाने का विरोध भी किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों को 2 दिन का वक्त दिया था। लेकिन अतिक्रमण के दायरे में आए सभी दुकानदार आज भी अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं। अतिक्रमण रोकने की गुहार को लेकर आज झरिया से सभी दुकानदार तिरंगा यात्रा निकाला और अपनी मांग को लेकर धनबाद उपायुक्त कार्यालय गए। सरकार से हम लोग विगत झरियावासी 6-8 महीने 10 महीने से लगभग पानी, बिजली, प्रदूषण इत्यादि समस्याओं से पहले ही से जूझ रहे हैं। और अभी वर्तमान में जिला प्रशासन ने जो यहाँ के दुकानदार छोटे मोटे व्यवसाय करके अपने जीविका चलाने वाले, फुट पर जो है रोजी रोटी कमाने वाले लोगों के साथ अतिक्रमण के नाम पर जो मान लीजिए उसका रोजी रोजगार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन एवं सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि तुम अगर हमें रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम मेरा रोजगार जो हम किसी तरह कर रहे हैं वो हमसे ना छीनो, मेरे पेट पे लात ना मारो। ये हम इस उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने शांति तरीके से, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग यहाँ पर पैदल जो है धनबाद कूच करने जा रहे हैं और धनबाद जा करके माननीय उपायुक्त में जो ज्ञापन सौंपेंगे कि हम हमारे रोजी रोटी ना छीनो, हमारा रोजगार ना छीनो, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिसके लेकर के हम अपने परिवार, बाल बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई सारा इसी पर हमारा आश्रित है। लगभग 40 साल से झरिया बाजार में हम लोग अपना पेट को पाल रहे हैं इसी सड़क पे दुकान लगा कर, और हमारे बुजुर्गों को ये दुकान, मतलब हमारे बाप दादा लोग ने यहाँ पे दुकान लगाना स्टार्ट किया था और उसी के नक्शे कदम पर हम लोग चल रहे हैं। और आज हमारे जो माननीय सीओ साहब जी जो है वो आए और बोले कि अपनी अपनी दुकानों को हटा दीजिए।